कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच सोमवार को पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट का आवागमन शुरू हो गया। सोमवार सुबह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट की लैंडिंग हुई। इस दौरान फ्लाइट से आए यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पटना एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया था। यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ साथ सामानों के सैनिटाइजेशन की भी खास व्यवस्था की गई थी। पटना एयरपोर्ट पर आए यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे। कई यात्रियों ने फेस शील्ड भी लगाया था। पटना एयरपोर्ट परिसर, स्टैंड, एयरपोर्ट लाउंज, चेकिंग एरिया, काउंटर, इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर कार्यरत पदाधिकारी और सभी कर्मियों के साथ एयरपोर्ट पर आने जाने वाले सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और उन्हें सैनिटाइज करने के साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यात्रियों के लिए ओला, उबर, टैक्सी का परिचालन किया जाएगा। साथ ही ऑड इवन के तर्ज पर ऑटो का भी परिचालन किया जाएगा। यात्रियों को कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे आवाजाही के लिए एयर टिकट ही पास का काम करेगा। एयरपोर्ट पर ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा भी उपलब्ध रहेंगे। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाएगी। सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट पर ज़्यादा भीड़ ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट के निदेशक BCH नेगी ने बताया कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पटना एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गया है। सोमवार को 15 विमान टेक ऑफ करेंगे और 15 विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। ये फ्लाइट दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई के लिए रवाना होंगी। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभी नियमों का भी पालन किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से आज मुंबई के लिए पहली उड़ान भरी गई। एयरपोर्ट निदेशक ने यह बताया कि जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। जो यात्री नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से 10 शहरों कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, रांची, लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद, हैदराबाद और चेन्नई के लिए फ्लाइट उड़ान भरेंगी। सबसे ज़्यादा फ्लाइट दिल्ली के लिए होंगी। यहाँ एयर इंडिया का एक स्पाइस जेट के 6, गो एयर के 5 और इंडिगो के 7 विमान देश भर के विभिन्न शहरों के लिए टेक ऑफ करेंगे। पटना से उमेश की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।